नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीसीबी बॉस द कमर्शियल व्हीकल्स। आज जिस नए टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है एचएमएल इशू, जो ग्लोबल सीरीज का जो 10.710 का गाड़ी फिलहाल ही में लॉन्च हुआ है। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि सर लॉकडाउन से पहले जो वीडियो दिया था कि सर BS6 के बारे में कुछ बताओ, BS6 का मॉडल आप रिव्यू करो, तो फिलहाल ही में ये लॉन्च हुआ है तो इसी के बारे में आज बात करते हैं। चलिए देखते हैं एचएमएल इशुजू ग्लोबल सीरीज का जो 10.710 BS6 का मॉडल फिलहाल लॉन्च हुआ है उसी के बारे में। ये है एचएमएल इशुजू ग्लोबल सीरीज BS6 का 10.710 का गाड़ी, देखने में बहुत जबरदस्त लगता है। लेट्स सी द डिटेल्स। बात करते हैं इसका इंजन की, तो इसमें एचएमएल इशुजू का SLT6 3.5 लीटर 3445 cc का 4 सिलेंडर CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन टाइप टर्बो चार्ज्ड इंटरकूल्ड डीजल BS6 इंजन लगा है, जो कि GVW 10,700 kg का आता है। ये इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल्स के सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च हुआ है। इसका पावर, ये जो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है वो 102 HPS 2800 RPM एंड टॉर्क जनरेट करता है 310 न्यूटन मीटर एंड 1500 RPM। बात करते हैं गियरबॉक्स की, तो इसमें 5 स्पीड मैनुअल फुल्ली सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स लगा है, जिसमें 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स गियर यूज किया गया है। ये सिंक्रोमैक्स गियरबॉक्स का डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है, देख सकते हो। चलिए देखते हैं इसका क्लच के बारे में। सिंगल प्लेट डायफ्राम टाइप क्लच इसमें यूज किया है कंपनी ने। सस्पेंशन की बात करते हैं तो सेमी इलिप्टिकल मल्टी लिप स्प्रिंग विथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर्स इसमें लगा हुआ है कंपनी की तरफ से। ब्रेक्स इसमें डुअल सर्किट फ्यूल एस्केम एयर ब्रेक्स लगा हुआ है। बात करते हैं व्हील बेस, जो कि हर डायग्राम MM में है। फोर टाइप की व्हील बेस इसमें अवेलेबल है, 2815, 3335, 4240 एंड 4760। बॉडी टाइप इसमें अवेलेबल है 3 टाइप का, CVC मतलब केबिन विद चेसिस, FSD फिक्स साइड डेक एंड हाई साइड डेक HSD। इसका जो डाला लेंथ अवेलेबल है, ऑल डाइमेंशंस आर इन फुट, 10 फीट, 12.3 फीट, 14.2 फीट, 17.2 फीट, 19.3 फीट एंड 21.7 फीट। इसका जो टायर इसमें कंपनी की तरफ से लगा हुआ है वो है 8/25/16 16 प्लाई रेटिंग वाला, रिम साइज है 16। कंपनी ने फुल्ली बिल्ट रेफ्रिजरेटर कंटेनर मॉडल निकाला है, जिसमें डाला लेंथ चार टाइप का है, 14, 17, 19 एंड 21, जिसमें 3 टाइप का व्हील बेस अवेलेबल है, 3335, 4240 एंड 4760। अगर आपको इस मॉडल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट एक वीडियो में डाल दूंगा, मतलब सिर्फ रेफ्रिजरेटर कंटेनर के लिए। इसमें वारंटी कंपनी ने क्या प्रोवाइड किया है, इन इंजन एंड गियरबॉक्स 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स वारंटी है, एंड इन व्हीकल एंड डिफरेंशियल 2 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी के अंडर में कवर किया है कंपनी ने। सेफ्टी के फीचर्स में बात करते हैं तो फ्रंट बम्पर विद इंटीग्रेटेड FUPD, FUPD मतलब फ्रंट अंडर राइट प्रोटेक्शन डिवाइस इसमें लगा गया है फ्रंट बम्पर में। ये इसका ओवरऑल चेस्ट है, जो कि फिलहाल ही में चेस्ट लॉन्च है। व्हील बेस, डाला लेंथ कितना में अवेलेबल है, टायर साइज, वारंटी, इंजन, गियरबॉक्स, क्लच एंड सस्पेंशन, ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें कवर अप हो जाता है। अगर एक ही स्लाइड देख लो तो आपको रफ आइडिया आ जाएगा। बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो इसमें सिंपल स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल केबिन लगा है, जो जिसमें CUD का टेक्नोलॉजी यूज किया है कंपनी ने इसको कोटिंग करने के लिए, मतलब पेंटिंग करने के लिए। CUD टेक्नोलॉजी है कैथोड इलेक्ट्रिक डिपोजिशन, जिस कोटिंग के वजह से इसका पेंटिंग का लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत दिन तक इसमें रास्ट नहीं आएगा, और सुपीरियर सरफेस फिनिश, केबिन का जो फिनिश होगा वो मस्त होगा। फ्रंट बम्पर में FUPD लगा है, जो कि फ्रंट अंडर राइट प्रोटेक्शन डिवाइस है। कंफर्टेबल एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड को ड्राइवर सीट विथ रिट्रेचेबल ड्राइविंग सीट बेल्ट। वाइड डोर अपर्चर, मतलब डोर 90 डिग्री तक एंगल से खुल सकता है। एंटी स्किडिंग फुटस्टेप
an easy inlet outlet, digital plus analog meters and for drivers, easy understanding with multi-inflow display, power steering है, mobile charging है, clear headlamp लगा हुआ है, sun visors दिया गया है, interior light है, अंदर application, ये गाड़ी कौन कौन application, किस किस segment में, किस किस application में लग सकता है, FMCG मतलब खाने पीने का सामान, refrigerator container, food grains, fruits and vegetables, cement bags, steel pipes, milk tanker, water tanker, e-commerce, poultry, mild steel container, parcel courier and many more application, ये गाड़ी use हो सकता है. Thanks for watching the practical review of HML Isuzu Samrat Global Series BS6 10.7. Friends, ये video अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो please like, comment and share करना. आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये गाड़ी फिलहाल लॉन्च हुआ है मार्केट में, मेरे नियरेस्ट शोरूम में अभी तक फिलहाल आया नहीं है. ये इसका लॉन्चिंग न्यूज था. तो अगर आप लोगों को इसके बारे में प्रैक्टिकल रिव्यू जो मैं मेरे चैनल में हर बार दिखाता हूँ कि इतना माइलेज जाता है, कंपनी बोलता है 8 जाता है, 9 जाता है, लेकिन जो स्पेसिफिक लोड लेने के बाद कितना जाता है वो मैं आपको हर बार कोशिश करता हूँ देने के लिए. ये मार्केट में फिलहाल आया नहीं तो इसका प्रैक्टिकल रिव्यू मैं नहीं दे सकता. कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी अपना नियरेस्ट शोरूम में, मेरा नियरेस्ट शोरूम में आ जाएगा तो आप लोगों को एक दूसरा वीडियो विद प्राइस एंड स्पेसिफिक माइलेज जो मैं देता हूँ हर वीडियो में वो आपको दे दूंगा. आज के लिए इतना ही काफी है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा.